हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए सेकंड ईयर मैथ्स हम जो पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर हमारा सेकंड है चल रहा था, और वो है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल डिफरेंस इंटरवल्स के लिए। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स कर रहे थे। तो कुछ और हमने एग्जांपल्स जो है वो करते हैं। क्वेश्चन जो हमने एक दिया था आपको करने के लिए, और वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइन 52 की वैल्यू निकालनी थी हमको सॉल्व करते हुए, तो यहाँ पे हम इसको पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, एक ही बच्चे ने मुझे यहाँ पे करके दिखाया क्वेश्चन, और बाकी बच्चों ने का कोई मैसेज नहीं था मेरे पास। हो सकता है फिर एक ही बच्चा पढ़ रहा हो। देखो, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, बात सिंपल सी है। ठीक है, आप ना किसी और के लिए पढ़ रहे हो, ना कोई आपके लिए पढ़ रहा है। ठीक है, आप अपने खुद के लिए पढ़ रहे हो। मेहनत करनी है आपको, अपने लिए करनी है। नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, ना मेरा होगा, ना किसी और का होगा। ठीक है, जो जिंदगी आपकी है आपको बितानी है। क्लियर? भले ही इससे आपको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन साफ सी बात मैं आपसे कहता हूँ। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम बनानी है अंतर सारणी। और पढ़ाई से बढ़कर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो, खेल कूद में हो सकता है आपको, या आर्टिस्ट हो, लेकिन मेहनत तो उसमें भी लगती है बॉस। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात आप जान लीजिए। तुक्केबाजी से या सोच के अपने आप हो जाएगा काम, ये विलो में कभी एक किसी में हो जाता है, हर किसी साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए ध्यान से, इतना ही कहेंगे आपसे। तो हमें बनाने सारणी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जो है वो डिग्री के रूप में दे रखा है। डेल एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये हमें निकालना, क्योंकि चार वैल्यू है तो तीन वैल्यू तक ही यहाँ पर निकलेगा, ये हम जानते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इसको जो वैल्यू दे रखी है इसके लिए हमें कैलकुलेटर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली साइन 52 का मान जो हमें निकालना है इसमें वो कैलकुलेटर से निकालें और रख दें, भाई ये मान आ गया सर जी। ठीक है, ऐसा करना तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो 0.760 और 0.8192 एंड 0.8660, इन दोनों का अंतर 0.0589 एंड 0.0532 एंड 0.0468, इन दोनों का अंतर है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है, इन दोनों का डिफरेंस दिस वन, और इन दोनों का डिफरेंस ये। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, और वैल्यू छोटी है बड़ी है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में 0.057। सारा काम आप कैलकुलेटर से करिए, आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तब तक आप हाथ से करिए, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस वजह से इन कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। ठीक है, कैलकुलेटर से ही आपको काम करना है। तो ये बन गया हमारी डिफरेंस टेबल, अग्रांतर सारणी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ये, और इस सारणी की सहायता से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ए जो है सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू वो है कितनी हमारे पास, 45 डिग्री। हमें यहाँ पे यू का मान निकालना है, तो यू का मान निकालना है। एच वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, अंतर कितना है 45 के बाद 50, 50 के बाद 45, तो अंतर है हमारे पास 5 डिग्री का। और एक्स बराबर ए प्लस एच यू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो या फिर होता है फॉर्मूला यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक ही बात है, इसको मैंने चेंज करके लिख दिया। ठीक है, जिस जो चीज आपको याद रहे उससे लिखिए, दोनों एक ही चीज है, एक को वहां पे दिया एक्स माइनस ए हो गया, एच का डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, यू का मान निकालना है, वैसे भी करना ही पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, क्या निकालना है, 52, तो 52 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 45 अपॉन 5, तो यहाँ पर 7/5 यानी कि 1.4। ठीक है, सही है,
तो अब न्यूटन ग्रेगरी का अगर दर्शन सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ऑफ ए प्लस यू वन फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस यू फैक्टोरियल टू अपॉन टू फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस यू थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री, ठीक है, देन डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, साइन 52 डिग्री बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 52 इक्वल टू एफ ऑफ 45, ठीक है, यहाँ से एफ ऑफ ए रखी मैंने 45 रखनी है हमें एक जगह पर, यू की पावर 1 यानी कि 1.4, ठीक है, 1 फैक्टोरियल लेना, और डेल एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, देखिए ये रहा डेल एफ ऑफ ए 0.0589, 0.0589, ठीक है, प्लस यू फैक्टोरियल टू, तो यू इंटू यू माइनस वन यानी कि 1.4 इंटू 1.4 माइनस वन, ठीक है, अपॉन टू फैक्टोरियल यानी कि टू, और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए ये है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू यहीं से चलेगी, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, इसकी वैल्यू भी रखेंगे हम बाद में रख देंगे, और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए का मतलब हो गया माइनस के 0.0057, ठीक है, प्लस यू का थ्री फैक्टोरियल यानी कि 1.4, 1.4 माइनस वन एंड 1.4 माइनस के टू, जितना फैक्टोरियल दे रखा हो उससे कम वैल्यू तक यहाँ पर ओपन होती है, थ्री फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 6, और डेल क्यूब यानी कि माइनस के 0.0007, क्लियर, ये हो जाएगा ना, तो हमारे पास एफ ओ 52 ये वैल्यू हमें निकालनी है, एफ 45 की वैल्यू कितनी है भाई, 0.7071, 7, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1.4 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किससे, 0.0589 से, प्लस इसमें क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 0.4 अपॉन टू माइनस के 0.0057 प्लस यहाँ आ जाएगा 1.4 इंटू 0.4 और यह आ जाएगा माइनस के 0.6 अपॉन 6 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस के 0.0007, ठीक है, तो वो दिखती ही रहा है सब कुछ कैसे से हो रहा है। अब हम आगे सॉल्व लिख लेते हैं सबका मल्टीप्लाई करके, हर आपको मैंने पहले बताया था कि हर एक स्टेप की वैल्यू जो है आप अलग अलग रखें, ठीक है, हर एक स्टेप में आप अलग अलग स्टेप, जैसे प्लस का ही तो अलग है ही, इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके इसको अलग रखें, फिर इसको अलग सॉल्व करें इसको अलग सॉल्व करें, हर स्टेप को अलग सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए इसमें कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 0.0771, सॉरी जीरो नहीं आएगा, प्लस 0.08246 माइनस 0.00159 प्लस 0.0000 चार बार जीरो और 392, ठीक है, चार बार जीरो और 392, क्लियर, आप सबको टोटल कर लो तो 0.788032 जो इक्वल है हमारे पास 0.788 के, मान लेते हैं, ठीक है, आई जीरो जा रहा है इससे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, तो हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक को ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद निकालना है जो निम्न मानों को ग्रहण करता है, निम्न मानों को ग्रहण
करता है, ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स देन 0 1 2 एंड 3, एक्स बराबर रखोगे तो आएगा, मतलब कि एक तरह से क्या है आपको रूल निकालना है कि आप 0 रखें तो 1 आ जाए, 1 रखें तो 0 आ जाए, 2 रखें तो 1 आ जाए और 3 रखें तो 10 आ जाए, इस तरह का आपको एक रूल बताना है, रूल निकाल के देना है आपको, ठीक है। तो और जो वैल्यू है एफ ऑफ 4 की वो भी निकालनी है, ठीक है, तथा एफ ऑफ 4 भी ज्ञात करो, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि यदि ए बराबर 0, एच इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला है, न्यूटन ग्रेगोरी, ठीक है, अग्र अंतर्वेशन सूत्र जो है, अग्र अंतर्वेशन सूत्र से हमारे पास जो पी एन एक्स है वो क्या बनता है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स सी 1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस एक्स सी 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स सी एन डेल की पावर एन एफ ऑफ 0, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर आपको जो है ए बराबर 0 और एक्स बराबर 1 रखने पर हमारे पास टर्म इस प्रकार बनेगी, एक्स सी 1 एक्स सी 2, और एक्स सी 1 एक्स सी 2 की जगह आप यू भी रख सकते हो, ठीक है। बात तो ये है कि हमको है ना एफ ऑफ 4 निकालना है, एक्स बराबर हमारे पास 4 भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रॉपरली जो वैल्यू है आप चाहे तो ऐसे पुट करके रखिए ना इससे, और चाहे आप तो यू यू माइनस 1 से कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंकड़ों के लिए पहले हम क्या बनाने पड़ेगा, सारणी बनाएंगे हम, ठीक है, सारणी थोड़ा यहाँ नहीं बन पाएगी तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो देखिए जरा हमारे पास जो नेक्स्ट पेज पे हम सारणी बनाएंगे, और सारणी जो है टेबल जो है हमारे पास वो किस प्रकार की बनेगी, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डेल ऑफ एफ एक्स एंड डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स एंड डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये जाएगा आपके पास 0 1 2 3 एंड 4, 1 0 1 10 एंड यहां पर जाएगा एफ ऑफ 4, बताइए होगा ना भाई, सबकी वैल्यू है लेकिन एफ ऑफ 4 की वैल्यू नहीं है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तरीके कहीं है करने के इस सवाल को, ऐसा नहीं है यार, अंतर दोनों का क्या है, 0 माइनस 1 यानी कि -1, 1 माइनस 0 यानी कि 1, 10 माइनस 1 यानी कि 9, और इसका अंतर हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस के 10, ठीक। डेल स्क्वायर में देखिए 1 माइनस 1 यानी कि 0, 9 माइनस 1 यानी कि 8, और एफ ऑफ 4 माइनस के 10 और करोगे माइनस में 9 तो हो जाएंगे 19, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो है 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा 8, और 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस, ठीक है, 19 है, एफ ऑफ 4 माइनस के 19 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे भाई, 27, ठीक है, जो किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर तो 8 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू अच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इसका अंतर क्या आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए, फिर जितने अंतर जो है वो क्या होता है अच्छा होना चाहिए, जो टोटल वैल्यू कितनी है 4 है तो थर्ड अंतर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, अच्छा होना चाहिए ना, तो वैल्यू वही हो जाएगी। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 8 के बराबर, क्योंकि हम कहते हैं कि तृतीय अंतर क्या होता है, अचर होता है, अचर होता है, ठीक है। तो आपको एन बराबर क्या रखें, 3 रख दें, P3x निकालना है हमें, 1
डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वन प्लस एक्स इंटू एक्स टी वन था, एक्स टी वन एक्स हो गया, फिर वैल्यू आएगी वन के बाद माइनस वन, फिर जीरो, फिर एट, माइनस वन प्लस एक्स सी टू, एक्स सी टू का मतलब क्या हो गया भाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल यानी कि टू, और फिर जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है सॉरी ये वन माइनस वन प्लस वन हो गया, हो जाएंगे यहाँ पे टू, और एट माइनस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी वो आप देख लीजिएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल यानी कि वन इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो एक तरह से आप ऊपर बहुपद बनेगा, ठीक है, आप देखिए जरा, वन प्लस वन माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, टू से टू कैंसिल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा पूरे में, पहले यहाँ निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन सिक्स, तो ये कैंसिल, ठीक है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस प्लस के टू एक्स, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस के एक्स ये कट जाएंगे टू एक्स से, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो वन जो एक्स क्यूब बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल, ठीक है, क्या बच गया, माइनस के टू एक्स स्क्वायर और क्या बच गया आपके पास, प्लस के वन, ठीक है, ये आपके पास क्या आया, पॉलिनोमियल आ गया, आप चाहे तो रख के वैल्यू देख लो, एक्स बराबर रखो आप वन, क्या सॉरी रखो जीरो, क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, वन आ रहा है, एक्स बराबर जीरो रखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगा, आर ऑफ एक्स बराबर वन, तो वन का क्यूब माइनस के टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस के टू प्लस वन, वन में वन कितने हो जाते हैं भाई, टू, टू में टू गया क्या, अच्छा जीरो, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, फिर रखो आप टू, टू का क्यूब कितना हो गया, एट माइनस टू, टू या फोर, फोर टू या एट और प्लस वन, तो टू रखने में कितना आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, देखो फिर प्लस वन आ रहा है, थ्री रख लो टेन आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमें जो रूल मिला, इस तरह से बहुपद मिला, वो बहुपद जो इसको सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फिर एफ ओ फोर निकाल लेंगे, एफ फोर क्या है हमारे पास, एफ ओ फोर माइनस के 27 इक्वल टू में कितना आ रहा है भाई, सिक्स आ रहा है, तो एफ फोर आराम से निकल जाएगा, उधर ले जाओ तो सिक्स प्लस 27 यानी कि 33, ठीक है, ये आपका निकल गया, समझ में आ गया आपको, तो ये सवाल था आपका, तो इजीली यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो बाकी का नाम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, थैंक यू।